नायाब शादीशुदा। जी और बच्चे की मां बनने वाली है। सॉरी सर, मैंने आप लोगों को यूं बेवक्त आके डिस्टर्ब कर दिया। नहीं बेटा, बिल्कुल भी नहीं। आप लोग शायद कहीं जाने की तैयारी कर रहे थे। हाँ, हम लोग अजहर भाई की तरफ जा रहे थे। ओह, आई एम सो सॉरी। अरे नहीं बेटा, नहीं, सॉरी करने की जरूरत नहीं है। तुम ये बताओ, कोई प्रॉब्लम है? अब नहीं, नहीं तो। ऑफिस का कोई मसला है? सर बिल्कुल नहीं। देखो बरखुरदार, इस वक्त हालात ऐसे चल रहे हैं कि मैं ऑफिस नहीं आ सकता। आप लोग बहुत मेहनत से काम कर रहे हो, नया प्रोजेक्ट है और नया भी ऑफिस नहीं आएगा। सर ऐसी कोई बात नहीं है, मैं सब समझ सकता हूँ। वहां पे सबकी और नायाब की क्या हालत है, प्रोजेक्ट की कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं वहां सब संभालूंगा। असद, तुम कुछ परेशान से लग रहे हो, उलझे उलझे से लग रहे हो। सर वो देखो बरखुरदार, कोई भी मसला है तो मुझे बताओ, हम उसका हल निकाल लेंगे। सर ये वक्त तो नहीं है ऐसी बात का, लेकिन 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 क्या? अब ये भी नहीं चाहता कि ये वक्त यूं ही गुजर जाए और मेरी बात यूं ही अनकही रह जाए। बेटा जया कह रहे हैं ना, जो भी मसला है उसे हल करने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। मैं वो नायाब से, मैंने आपसे शादी करना चाहता हूं। मुझे मालूम है वहां पे कयामत टूटी है। अगर वक्त हर जख्म भर नहीं सकता तो उसकी तकलीफ को जरूर कम कर सकता है। अभी नहीं, अभी फौरन नहीं। मैंने तो बस सिर्फ अभी आप दोनों से बात की है। थोड़ा वक्त गुजर जाएगा, फिर माहौल बदलेगा। शादी का हंगामा और नायाब की खुशी सबके दिलों से दादी और आयजा का गम भुला देगा। तुमने नायाब से बात की है इस बारे में? जी नहीं, सिर्फ सोचा था और चाहा था। बात तो सिर्फ मैं आप दोनों से कर रहा हूं। सर, आंटी, मैं चाहता हूं कि आप दोनों मेरे बड़े, मेरे बुजुर्ग बन के वहां जाएं और ये बात उनसे करें। मैं आपको यकीन दिलाता हूं, मैं कभी भी आप लोगों को शर्मिंदा होने का मौका नहीं दूंगा और नायाब को हमेशा खुश रखूंगा। नायाब शादीशुदा। जी और बच्चे की मां बनने वाली है। सामने को मुझे कहते हैं जी हीरा मानी, सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल अगर आप ARY के ड्रामे देखना चाहते हैं, और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू।